हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप धनिया, पुदीने और हरी मिर्च को किस तरह स्टोर करके रख सकते हैं जिससे यह जल्दी खराब ना हो। धनिया जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आजकल तो धनिया काफी सस्ता मिल रहा है मार्केट में, लेकिन आगे चलकर गर्मियों में ये काफी महंगा भी हो जाता है। तो इसके लिए स्टोर करके रख लेते हैं जिससे ये काफी टाइम तक खराब नहीं होगा। तो ये धनिया मैंने लिया है, आपको जितना स्टोर करके रखना है उतना ले ले। इसमें जो खराब पत्ते होते हैं या घास वगैरह होती है या फिर पीले पत्ते होते हैं उसे निकाल लेना। ये देखिए, इसे मैंने साफ कर लिया। अब आपने लेना है फ्रिज का ठंडा पानी। अगर ठंडा पानी ना हो तो आप नॉर्मल पानी में आइस क्यूब डाल के भी ले सकते हैं। अब इस ठंडे पानी में सारे धनिया को डिप करके अच्छे से वॉश कर लेंगे। ठंडे पानी से अगर धनिया को वॉश करेंगे तो इसका कलर ग्रीन ही रहेगा। ये पानी अब गंदा हो गया है, इस पानी को चेंज करके फिर से ठंडा पानी ले लेंगे और दोबारा फिर से धनिया को वॉश कर लेंगे। जितनी देर तक साफ पानी ना आए उतनी देर तक आपने पानी को चेंज करते जाना है और धनिया को वॉश करते जाना है। ये देखिए, तीन बार में पानी बिल्कुल साफ आ गया। अब इसे एक छन्नी में डाल के 3-4 मिनट के लिए रख देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। और फिर आपने किचन नैपकिन या टॉवल लेना है और उसके ऊपर धनिया को रख के हल्के हाथों से इसके पानी को सुखा लेना। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने पहले इसकी डंडी को क्यों अलग नहीं किया था, क्योंकि इसकी डंडियों के साथ जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है जो डंडियों के साथ ही कट हो जाता है। इन्हें पहले हम निकाल लेंगे और फिर इस तरह इसके जड़ वाले पार्ट को कट कर देंगे। इसको हम यूज नहीं करेंगे, फेंक देंगे। इसके बाद भी काफी डंडियां बच जाती हैं, उसे भी कट कर लेंगे। इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे आप या तो चटनी में यूज कर सकते हैं या तो सूप में डाल सकते हैं। इसे डालने से सूप बहुत टेस्टी बनता है। अब बाकी के धनिए को बारीक बारीक कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे एक प्लेट में फैला लेंगे और घर के अंदर ही इसे सुखा लेंगे। एक दिन में ये सूख जाएगा, क्योंकि आजकल तो काफी गर्मी हो गई है। धूप में धनिए को आपको बिल्कुल नहीं सुखाना है, नहीं तो इसका कलर डार्क हो जाएगा या फिर काला पड़ जाएगा। ये देखिए, एक दिन के बाद धनिया अच्छे से सूख गया है, आपको इसकी आवाज आ रही होगी। अब आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या कांच की शीशी में डाल के स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ये जल्दी खराब नहीं होगा। फ्रीजर में आपको नहीं रखना इसे, अभी तो फ्रेश धनिया आ रहा है, आप उसी का यूज करें। जब धनिया नहीं मिलता है मार्केट में तब आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप मिर्च को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। पहले मिर्च को अच्छे से वॉश कर लें और सुखा लें और फिर उसकी डंडियों को निकाल लेना है। ये देखिए, सारी डंडियों को मैंने निकाल ली है। वैसे तो आप इसे इस तरह भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आराम से ये 15 से 20 दिन तक ये खराब नहीं होंगी। पर आज मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ इसे स्टोर करने का। इसको किसी भी चॉपर में डाल के चॉप कर ले, नहीं तो आप इसे बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। चॉप करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल ले और चम्मच से इसे इस तरह सारी प्लेट में फैला ले। हाथों का यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि मिर्च से अक्सर हाथों पे जलन होनी शुरू हो जाती है। इस तरह फैलाने के बाद अब इस प्लेट को धूप में रख के मिर्ची को सुखा लेंगे। एक दिन में ये सूख जाएंगी। ये देखिए, एक दिन की धूप में ये अच्छे से सूख गई है, आवाज आ रही होगी आपको। जब आप इसे धूप में रखें तो 3-4 घंटे के बाद इसे एक बार चम्मच से हिला दे ताकि ये सब तरफ से अच्छे से सूख जाए। अब आप इसे इस तरह स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसी तरह स्टोर करके भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह मिक्सी के जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लें और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लें। ये देखिए, मिर्ची का पाउडर बन गया। अब आप इसे एयरटाइट कंटेनर में या फिर इस तरह कांच की डिब्बी में आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे सब्जी में, किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, ये 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब आ गई पुदीने की बारी। इसके इस तरह के पीले पत्ते को निकाल देंगे और सारे साफ पत्तों को डंडियों से अलग कर लेंगे। पुदीने को हमने पहले वॉश नहीं करना है, नहीं तो ये जल्दी से खराब हो जाता है और काला पड़ जाता है। ये देखिए, इस तरह मैंने पत्तियों को अलग कर लिया।
अब आपने कोई भी एक डिब्बी लेनी है और उसमें इस तरह कोई भी पेपर नैपकिन को रख देना है और फिर उसके ऊपर पुदीने की पत्तियों को और फिर दोबारा से एक नैपकिन को रखना है और फिर डिब्बी को बंद करके फ्रिज में रखना है। 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस आपने 5-6 दिन बाद इसके नैपकिन को चेंज कर देना है और जो कोई पत्ता इसमें खराब होगा उसे निकाल देना है। अगर आपके फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं है कि इस तरह आप डिब्बी में पुदीने को स्टोर करके फ्रिज में रखें, तो आप इस तरह का कोई भी जिपलॉक बैग ले लें और फिर एक पेपर नैपकिन में पत्तियों को रख दें और फिर इसे इस तरह फोल्ड कर लें और इसके बाद इसे जिपलॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आपके फ्रिज में काफी स्पेस बच जाएगी। अगली टिप आपके बहुत काम आएगी। अक्सर किचन में काम करते करते ऑयल गिर जाता है प्लेटफॉर्म पे और हम उसे बर्तन धोने वाले स्क्रबर से या फिर प्लेटफॉर्म क्लीन करने वाले टॉवल से पोंछ लेते हैं और फिर वो ऑयल से चिपचिपा हो जाता है और खराब हो जाता है। आप ऑयल को इस तरह किसी भी पेपर नैपकिन से या फिर न्यूज़पेपर से क्लीन कर लें, जिससे आपका स्क्रबर या प्लेटफॉर्म क्लीन करने वाला टॉवल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कौन सी टिप आपको ज्यादा यूजफुल लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इन टिप्स का फायदा हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल कुकिंग विद बबल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।